फिजिकल पॉलिसी एंड द करंट अकाउंट आर गवर्नमेंट बजट बाई द करंट अकाउंट डेफिसिट्स दैट इज आर दिन डेफिसिट्स सो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि क्या फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट इन दोनों आपस में रिलेटेड हैं या नहीं हैं क्या एम्पेरिकली अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस से भी देखें तो पाकिस्तान में जब भी हमारा बजट का खसारा ज़्यादा होता है तो यूजुअली करंट अकाउंट का खसारा भी बढ़ जाता है तो एम्पेरिकल एविडेंस पर भी हम आएंगे लेकिन पहले हम इसकी थ्योरेटिकल इसकी जस्टिफिकेशन या थ्रेटिकल जो है पोजिशन उसको हम स्टडी करेंगे कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं थोरेटिकली द क्रिटिकल फैक्टर जो है दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ नेशनल सेविंग एंड इंक्रीज इन द गवमेंट बजट डेफिसिट रेजिज द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑनली इफ द इंक्रीज इन द बजट डेफिसिट प्रोड्यूस डिज़ायर्ड ने बजट डेफिसिट में इजाफे से करंट अकाउंट डेफिसिट उसी सूरत में अफेक्ट होगा अगर बजट डेफिसिट नेशनल सेविंग को अफेक्ट करेगी नेशनल सेविंग को अगर ये अफेक्ट करेगी तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट को अफेक्ट करेगा इन अ स्मॉल ओपन इकोनोमी इफ एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रिड्यूस नेशनल सेविंग ओके सो नेशनल सेविंग कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड it will reduce the current account balance. With the help of diagram, let's see. Initially, small open economy ki baat rahe. Okay. So world interest rate is fixed for this economy at this rate. The horizontal line shows that whatever is the desired saving or the desired investment, international interest rate remains same. So इनिशियली दिस is the इन्वेस्टमेंट curve एंड S1 is the सेविंग curve. और अगर government बजट deficit की वजह से national सेविंग कम हो जाती है तो सेविंग कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है और एस वन से ये एस टू पर आ जाता है पहले जब एस वन था तो आपके पास करंट अकाउंट सरप्लस कितना था फ्राम ए टू बी ओके दिस वॉर द करंट अकाउंट सरप्लस और आफ्टर दिस शिफ्ट नाओ द करंट अकाउंट सरप्लस जो है इट रड्यूस फ्राम ए टू सी उसमें कमी वाकई हो जाती है तो बजट डेफिसिट सेव क्यों शिफ्ट हुआ लेफ्ट पर बजट डेफिसिट इनक्रीज़ होने से ओके तो उसके नतीजे में आपका करंट अकाउंट सरप्लस कम हो गया अ डेफिसिट कास्ट बाई इंक्रीज़ गवर्नमेंट अब ये जो बजट डेफिसिट है इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं इफ़ इट इज़ कास्ट बाई द इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज़ यानी डेफिसिट का मतलब क्या है द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इट्स स्पेंडिंग ओके तो डेफिसिट क्या होगा जब आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो ये डिफरेंस दो तरह से हो सकता है या तो आप सेम रेवेन्यू पर ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दें तो डेफिसिट बढ़ जाएगा ओके okay? ये आपकी स्पेंडिंग कांस्टेंट है लेकिन आप टैक्सेस में कमी कर दें रेवेन्यू कम हो जाए तो आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं सो so, अगर ये डेफिसिट इसलिए बढ़ा है कि रेवेन्यू तो कांस्टेंट है लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है तो इस स्पेंडिंग के हवाले से तो डेफिनेटली फिर आपकी नेशनल सेविंग कम हो जाएगी नेशनल सेविंग के जिस तरह से हम डिज़ायर्ड सेविंग को डिफाइन करते हैं तो उसमें आपकी टोटल आउटपुट है माइनस आपकी डिज़ायर्ड कंजम्पशन है और माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बढ़ने से नेशनल सेविंग कम हो जाएगी और नेशनल सेविंग के काम होने की वजह से करंट अकाउंट बैलेंस आपका डिक्लाइन कर देगा सो इट इज़ क्लियर देर इज नो इशू इन दिस ओके सेकेंड केस क्या है बजट डेफिसिट के बढ़ने का जब आपकी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट है लेकिन उसने आपने टैक्सेस को कम कर दिया तो इसमें कंट्रोवर्सी या इसमें कन्फ्यूजन मौजूद है कि इसके नतीजे में क्या करंट अकाउंट जो सरप्लस है उसमें चेंज आएगी या नहीं आएगी सो अ डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम अ टैक्स कट इफ डिजायर्ड सेविंग फॉल्स ओनली इफ कंजम्पशन राइजेस कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस में रियायत दे दी किसी वजह से उसके नतीजे में और उस गवर्नमेंट ने अपने स्पेंडिंग नहीं चेंज की स्पेंडिंग उसके वही है लेकिन उसने टैक्स में रियायत दे दी तो उसके नतीजे में अगर कन लोगों की टैक्स में कम हो गया तो इसका मतलब उनकी डिस्पोज़ेबल इनकम बढ़ गई है ओके सो इट्स डिस्पोज़ेबल इनकम से उनकी कंजम्पशन बढ़नी चाहिए सो so अगर ये कंजम्पशन बढ़ जाती है तो फिर जाहिर है आपकी सेविंग कम हो जाएगी लेकिन अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ती ठीक है और सेविंग उसमें कम नहीं होगी ये कब होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने रिकॉल करना रिकॉर्ड इन इक्वेलेंस का रिकॉर्ड इन इक्वेलेंस का कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को खा आज टैक्स लगाकर उसको फाइनेंस करे या फ्यूचर में टैक्स लगाकर उसे फाइनेंस करें तो उसका इम्पेक्ट इकोनॉमी पर एक जैसा होगा ये रिकॉर्ड इन इक्वेलेंस सही एक्चुअली के जो पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है इसकी डिटेल भी देखेंगे लेटेस्ट स्टेज में तो कहीं तो ये कहता है ना कि अगर आप इकानी को बूस्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट करना चाहती है तो वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे और उससे डिमांड बढ़ जाएगी और इस तरह से इकानी बूस्ट हो जाएगी लेकिन रिकॉर्डिंग एक कहते हैं कि नहीं अगर आपने स्पेंडिंग बढ़ाई है वो खा आज टैक्स के ज़रिए से फाइनेंस करें या अगर आपने टैक्स आज नहीं लिया कहीं से बारो की उस स्पेंडिंग के लिए तो वो कहते हैं कि पीपल आर वाइज एनफ वो रैशनल हैं वो समझ रहे हैं इस बात को कि आज हमें जो ये रियायत मिल रही ही है आज तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा इसकी कीमत नहीं देना पड़ रही लेकिन कल हमने देनी है गवर्नमेंट कहीं से बारो कर रही है और कल हमने गवर्नमेंट का ये डेट भी टैक्स की सूरत में वापस करना है और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है तो वो उस टैक्स कट से अपनी कंजम्पशन को इनक्रीज नहीं करेंगे रादर वो फ्यूचर को मद्दनज़र रखते हुए अपनी सेविंग को बढ़ा देंगे ताकि कल वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकें जो एक्सपेक्टेड है बढ़ना तो इस सूरत में अगर रिकॉर्डिंग इक्वलेंस अगर होल्ड करता है तो उसके नतीजे में तो फिर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो आपकी नेशनल सेविंग जो है वो चेंज नहीं होगी तो फिर उस सूरत में गवर्नमेंट का डेफिसिट तो चेंज हुआ है लेकिन उसका करंट अकाउंट पर इफ़ेक्ट नहीं होगा लेकिन ये भी एविडेंस मौजूद है और आर्गमेंट्स मौजूद है कि रिकॉर्ड एंड एकस होल्ड नहीं करता लोग इतने समझदार नहीं है इतने वेल well इन्फॉर्म नहीं होते और इतने रैशनल नहीं होते जितने इसमें अज्यूम किया गया तो उसके नतीजे में कंजम्पशन चेंज हो जाएगी और सेविंग चेंज हो जाएगी और वो करंट अकाउंट को अफेक्ट करेगा तो बहरहाल ये सिनेरियो था कि फिजिकल पॉलिसी में जब चेंजेस आती हैं तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट में क्या चेंज आएगी इस सारी बहस में हमने एक अंदम्प्शन मदन की हुई है कि गवर्नमेंट जब भी अपने बजट में कोई भी चेंज लाती है वो खा स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है या टैक्सेस को कम करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं होता इससे मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो ट्रीटमेंट है लोगों के जो फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्टेशन हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आती थैंक यू वेरी मच